घुटनों में जो गैप है उसको कम करने के लिए ये ट्रैक्शन इनको लगाया गया है। यहाँ पर गैप था 4 अंगुल का, जब आए थे 4-5 अंगुल का, तो अभी आज 1.5 अंगुल का रह गया है। अब इसको ट्रैक्शन लगाते हैं, इस गैप को कम करते हैं, और यहाँ ये मिले हुए थे और यहाँ गैप था, हमने रिवर्स कर दिया है। अब हमने यहाँ गैप बढ़ा दिया है टॉबिल लगा करके, और ये ट्रैक्शन किट है, और जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी उसके लिए यहाँ भी गैप था, ये और यहाँ भी गैप था। इसको कम करने के लिए हमने वेट रख दिया है नी जॉइंट से ऊपर, तो ये जो नीचे दबा रहे हैं और ये नीचे खींच रहे हैं, तो इनकी जो फ्लेक्सर मसल्स हैं नी की वो भी स्ट्रेट हो जाएंगी, नी की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कम हो जाएगी, वायरस डिफॉर्मिटी कम हो जाएगी। और इस तरह से ये ट्रैक्शन किट आती है, ये ट्रैक्शन लगा दिया है, ये घर पे लगाएंगे जा करके। और इनका डायरेक्शन हमने तिरछा रखा है, देखिए ऐसे तिरछा रखा है, पास ही लाए तो हम इस तरह से ऊपर से नीचे तक डायरेक्शन इस तरह से रखा है, इतना मैक्सिमम दूर कर सकते हैं। और फिर हमने इनके ये वेट लगा दिए हैं 10-10 kg। ऐसा करने से जब खिंचाव पड़ेगा तो ये मैक्सिमम मरीज़ ज़्यादा 1.5 घंटा ही इसको झेल पाते हैं, उसको हटा दीजिए। लेकिन उससे पहले हम घुटनों की गर्म पानी से सिकाई कर देते हैं बाल्टी में डाल के, तो इस तरह से जो फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी और वेरस डिफॉर्मिटी थी नी की वो दूर हो जाती है। ये बड़ी पुरानी टेक्निक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, जो मरीज़ होते थे या फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी, हम पहले इसी से ठीक करते थे। जब मेडिकल कॉलेज में यही ट्रैक्शन तकनीक पूरी दुनिया अपनाई जाती थी, तमाम किताबें, अब समय के साथ ये चीज़ें भूल गए हैं लोग, लेकिन जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता उसके लिए यही टेक्निक्स हैं, और इसी टेक्निक से हम ट्रैक्शन से लोगों का फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी नी की दूर करते थे, उसी टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी वाले मरीज आते हैं उनको ऑपरेशन थिएटर में सॉफ्ट टिश्यू रिलीज की जगह मैं इस पे मरीज को 1 महीने के लिए डाल देता हूँ, तब तक उसकी ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल कर लेता हूँ, वेट कंट्रोल कर लेता हूँ, डायबिटीज़ कंट्रोल कर लेता हूँ, थायराइड और हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लेता हूँ। इस तरह से 1 से 3 महीने के अंदर मरीज़ बॉडी के हिसाब से, डिफॉर्मिटी के हिसाब से, ऑस्टियोपोरोसिस के हिसाब से, मसल पावर के हिसाब से मैं मरीज़ को तैयार कर लेता हूँ। तो उसमें मेरे जो रिजल्ट हुए, मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कम चाकू चलाना पड़ता है, कम ब्लीडिंग होती है, पोस्ट ऑपरेटिव मरीज अच्छे रिजल्ट देता है। पूरी दुनिया के अंदर हर नी रिप्लेसमेंट वाले मरीज को पहले 3 महीने नी क्लिनिक को ज्वाइन कराया जाता है, वहाँ पर ये सभी चीज़ें की जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो इंटरनेशनल रेजिम है, ऐसे नहीं मरीज पहले दिन आपने काटा पीटा और नी फिट कर दिया, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं करते। पहले उसका वजन 70 किलो लाते हैं, चाहे उसको पेट कटवाना पड़े, चाहे हाथें कटवानी पड़े, चाहे उसको जिम ज्वाइन करनी पड़े, चाहे डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़े, चाहे सब मिलके करना पड़े, 70 किलो वजन हो जाएगा तब उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे। मैं भी इसी सिद्धांत को अपनाता हूँ और ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा ईमानदारी से इलाज करता हूँ, क्योंकि यदि ऑस्टियोपोरोसिस रही तो ऑन टेबल फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है, और पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर भी फिजियोथेरेपी के दौरान भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो किसी भी कीमत पर ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करना ही करना है, आपको मसल्स की पावर बढ़ानी ही बढ़ानी है। ऐसा ना हो आप अगला मरीज तैयार कर दें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह, कि ना तो वेट कम किया, ना ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल करी, ना मसल पावर बढ़ाई, और रिप्लेसमेंट के बाद वो पूरी ज़िंदगी बिस्तर में ही रहे, क्योंकि ना तो उन्होंने वजन कम किया, वो किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे, ना खाना चेंज करूँगा, ना एक्सरसाइज करूँगा, ना मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा, साथ साथ उनको और कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं मरीज़ की कोर मैं सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के लिए मरीज़ को रखता हूँ, बाकी सभी समस्याएँ उसकी ऑपरेशन से पहले ही मैनेज कर देता हूँ। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैंने खेत ख़रीदा, बेसिकली मैं किसान हूँ, खेत खरीदा तो पहले दिन बीज नहीं बोऊंगा मैं, पहले खेत को तैयारी करूंगा, निराई करूंगा, गुड़ाई करूंगा, पत्थर निकालूंगा, खरपतवार निकालूंगा, उसकी बाउंड्री वाल बनाऊंगा, पशुओं से सुरक्षा का इंतजाम करूंगा, बाजूका लगाऊंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, खाद का इंतजाम करूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ऐसा करने में मुझे 1 महीना लगे या 3 महीने लगे, जब खेत पूरा तैयार हो जाएगा तब सिर्फ बीज बोऊंगा। इसलिए नी रिप्लेसमेंट के अंदर आप पूरी चीज़ें पहले कर लीजिए ना, कोई इमरजेंसी सर्जरी थोड़ी, कोई हार्ट अटैक थोड़ी हुआ है, कोई ब्रेन की नस थोड़ी फट गई है, अरे जब पिछले 15 साल से झेल रहा है और 2 महीने झेल रहेगा, मेडिसिन दे दीजिए उसको पेन किलर्स, कौन से बहुत बढ़िया बढ़िया पेन किलर्स आ गए हैं।
तो अब मैं गुप्ता जी से पूछता हूँ, गुप्ता जी आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को एकदम बहुत आराम, बहुत रिलैक्स है मेरे को, रिलैक्स एकदम फील एकदम कर रहे हैं? कोई बहुत नहीं, कोई कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी घर नहीं, पे लगा लेंगे इसको? घर पे आप लगा लूंगा डॉक्टर साहब, घर पे लगा बिल्कुल लेंगे? तो बिल्कुल आपने ट्रैक्शन नहीं लगाया था, अब हाँ आपको घर पे ट्रैक्शन बिल्कुल है। ट्रैक्शन लगाऊंगा तो डॉक्टर अब साहब। मैंने आपको मेडिसिन से बता दी, मरीज़ का इंटरव्यू करा दिया, ट्रैक्शन टेक्निक दिखा दी, अगर ये सब करने के लिए तैयार हैं। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, एयर बाइक, एयर बाइक, ये जो साइकिल है ये एयर बाइक है, ये दिखाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ एयर बाइक। तो एयर बाइक से घुटनों की चाल अच्छी बनती है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, लिगामेंट मजबूत होते हैं, और जो नी के अंदर गैप आ गया है वो पास पास आ जाता है। तो एयर बाइक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद इसको रोज़ाना आधा घंटे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करता हूँ और मेरी नी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, मेरी बिल्कुल ठीक है। मैं पहाड़ों की भी ट्रैकिंग करता हूँ, मुझे परेशानी नहीं होती है। तो एयर बैग कैसे करते हैं यूज़, इसको हम बताते हैं आपको। आइए ज़रा, एक तो ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, एयर बैग भी बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, ये जब चला रहे हैं तो पूरे ताकत हाथों से चला रहे हैं। इन्होंने इन्होंने अपना अंगूठा आगे रखा, अंगूठों की ताकत से धक्का दे रहे हैं, उंगलियों की ताकत से खींच रहे हैं। और मेन चीज़ क्या है कि ये दोनों घुटनों को आपस में रगड़ रहे हैं, देखिए दोनों घुटने आपस में रगड़ रहे हैं। तो ये एयर बैग का तरीका है, सीधे तन के बैठिए और ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपके सामने। और ठीक इसके सामने इन्होंने एक शीशा लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए कि इनकी दोनों टांगें, दोनों जांघें आपस में टकरा रही हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए, अगर टांगें टकराएंगी तो आपके जो बीच का जो गैप है वायरस निवाला वो ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।